स्त्रियांकुश लर्निंग चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी लेकर आई हूँ जो बच्चे घर पर बैठकर करेंगे। ये मैंने एक बुक ख़रीदा था मॉल से लॉकडाउन से पहले, ऑसम एक्टिविटी बुक। मैं मॉल गई थी, मैंने ख़रीदा था, तो इसमें मैंने जब देखा खोलकर इसमें बहुत सारे एक्टिविटी है, वही अब मुझे काम आ रहे। बच्चे को घर पे बैठा है तो उसको मतलब ये वैकेशन में मैं बहुत अच्छे से मेरे को अच्छा मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चों को भी इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे मैं अभी इस पर दिखाती हूँ आपको, इसमें जो एक्टिविटीज़ है देखिए किस तरह से नंबर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, इसे ज्वाइन करना है। जो मेरे बच्चे ने ज्वाइन किया है तो वो एक क्या बन गया, एक फ्रॉग बन गया है। तो ऐसे मेरे बच्चे ने घर पे बैठ के किया है, एक एम्बिफियन अमेजिंग एम्बिफियन है जो बच्चे ने किया। इसमें कलर करना है तो कलर के लिए वो बाद में करेगा। और नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है रिवील विच एनिमल्स ईच ऑफ दिस अमेजिंग फैक्ट्स बिलोंग टू बाय अनस्क्रैम्बलिंग देयर नेम्स। मैंने कल ये मेरे एक वीडियो डाला था जिसमें अनस्क्रैम्बलिंग वर्ड्स वाला, उसमें मैंने उस वक्त ये देखा नहीं, ये मैंने आज देखा। इसमें लिखा हुआ है LNIOS, अनस्क्रम्बलिंग किया हुआ है नेम, उसे हमें स्क्रम्बल में करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, डैश लर्न टू हंट व्हेन दे आर अबाउट अ ईयर ओल्ड। ऐसा कौन सा जानवर है जो मतलब हंट करता है वो कितना भी बुढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो लेटर्स है ऊपर नीचे दिया हुआ, इसे अरेंज करके मेरे बेटे ने इस पिक्चर्स को देख के बताया लायंस। तो लायंस इसका जैसे दिया हुआ ये बनता है टाइगर, ये बनता है शार्क्स, ये भी शार्क बनता है। क्या दिया है, रफ स्किन मेड फ्रॉम द सम स्टफ, उसका जो बॉडी है एकदम रफ स्किन है और बिल्कुल उसके दांतों की तरह एकदम, फ्रॉम द सेम स्टफ एज योर टीथ। अब तो ये देखते हैं डैश है ब्लू टंग, ब्लू टंग है किसका, ब्लू टंग है यहाँ पर इसका रीअरेंज करना है जिराफ। ऐसे दिए हुए मेरे बच्चे ने किया, ये वाले किए नहीं, शायद वो अधूरे में चला गया था इसके लिए। तो इस तरह से वो इसमें अनस्क्रम्बल भी करना, और भी देख लेते हैं। इसमें भी देखिए इसमें दिया है हाउ मैनी, इसमें क्या दिया है पहले पढ़ते हैं, टाइम टू स्टार्ट काउंटिंग देन वाई नॉट डेकोरेट योर पेजेस विथ कैंडी स्टिकर फ्रॉम द स्टिकर पेजेस। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक मैन के यहाँ पर फेस में वाइट कलर की, वाइट बोल रही हूँ, येलो कलर के ऐसे मोती मोती है। और यहाँ पर देखिए ब्लू ब्लैक ये वायलेट कलर वाइट कलर ब्राउन कलर के ऐसे सब बने हुए, इसमें वही काउंट करके लिखने हैं हाउ मैनी वाइट कैंडीज आर देयर इन एविस हेयर, इसके सर पर कितने कैंडीज हैं। तो मेरे बेटे ने शायद काउंट करके लिखा होगा 58, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। तो यहाँ पर हाउ मैनी ब्लैक कैंडीज आर देयर इन हिज माइक्रोफोन, इसके माइक्रोफोन में कितने कैंडीज है, मेरे बेटे ने काउंट करे 63, बाकी का अभी तक नहीं किया, वो करेगा। मतलब ये एक ऐसा बुक है, मुझे नहीं पता था जो इतना इंटरेस्ट लेके बच्चे एक दिन करेंगे। मैंने ये बुक ऐसे जस्ट परचेज़ किया था मेरे बच्चे के लिए, आज वो मेरे बहुत काम आ रहा है। तो आप भी इस तरह से एक बुक अगर परचेस कर लेंगे तो बच्चा घर बैठे इंजॉय करेगा, वो कभी भी फ़ोन और टीवी लेके नहीं रहेगा और आराम से ऐसे सब घर पे अपना उसका रेगुलर वर्क भी चालू रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आइसक्रीम ड्रॉ करना है बच्चों को शॉर्ट में दिया, तो मेरा बच्चा ये कर रहा था इस तरह से आइसक्रीम ड्रॉ। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है रेड कितने हैं चप्पल, उसे सर्कल करने कहा मैंने, ये जो ब्लू वाले उसे मैंने ट्रायंगल बनाने कहा, जो पिंक वाले उसे मैंने स्टार बनाने के लिए कहा, ये सब भी है। इस तरह से हम बच्चों को घर पे बैठ के वर्क दे सकते हैं। इसमें बच्चा कलरिंग करेगा, जो इतने भी मतलब बर्गर है या फिर जो जो है हॉट डॉग है जो है बच्चा उसको कलरिंग करेगा। और यहाँ पर भी है क्या, हाउ मैनी डग्स आर फ्लोटिंग अक्रॉस दिस पेज, इसके जितने भी आंसर है वो पीछे दिए हुए हैं, कौन कौन फ्लोटिंग करे, हाउ मैनी डग्स इस पेज में, वो सब बच्चा मतलब बहुत ही इंटरेस्ट लेके ये सब करेंगे। इतना मतलब ये बुक मेरे लिए बहुत, यहाँ ये एक पैसेज की तरह है, बच्चा जो आंसर लिख सकता है। अभी तक नहीं किया है, मतलब मैं उसे फिर बाद में करवाऊँगी। और देख लेते हैं ये
ये देखिए टॉप कॉर्ड्स, यहाँ पर एनिमल्स के, बर्ड्स के जो भी है नेम दिए हुए इंसेक्ट्स के। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये पिक्चर देखकर मैंने अपनी बेटी से पूछा था ये क्या है, तो मेरी बेटी ने बताया था मम्मी ये तो टाइगर का स्किन, टाइगर का स्किन ऐसा होता है। तो फिर मैंने बोला यहाँ पर है टाइगर, उन्होंने देख के मेरे बेटे ने देखकर हाँ है तो टाइगर, ये किसका है पीकॉक, ये जिराफ। ये अगर मेरे बच्चों को किसी को पता नहीं होता है तो उस वक्त मैं आंसर बता देती हूँ, वरना मेरा बेटा इंटरेस्ट लेके करता है। जैसे ये क्रोकोडाइल, ये काओ, ये बटरफ्लाई, ये शीप, ये स्नेक, ये देखिए एलिफेंट, जेब्रा, इसके हेजहॉग, ये मेरे बेटे को पता नहीं था हेजहॉग, तो मैंने इस वक्त बताया उसे हेजहॉग, लेपर्ड। इस तरह से हम बच्चों को घर पे वर्क देते। इस बुक के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मुझे आप लोग को दिखाने का यही कारण है कि हम अगर ऐसे बुक्स पहले से परचेस कर लेते तो ऐसे घर पे वैकेशन में भी या फिर अभी भी अगर खरीदते तो बच्चे कर पाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एक एनिमल्स मतलब ये कुछ बने हुए पिक्चर्स है वर्म्स से, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्म कौन सा, जो सेम है जैसे ये वाला सेम है तो इसे मैं बोलूँगी ऐसे टाइप के जो है उसे सर्कल करो। अब यहाँ पर ऐसे टाइप के और कहाँ, यहाँ पर है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है एक ही नहीं है, क्यों, यहाँ पर दो निशान नहीं है। देखिए यहाँ पर दो निशान है, यहाँ पर दो निशान है, मतलब ये डिफरेंट है, ये वो वाला नहीं है, हाँ ये इसकी तरह है ये दोनों। तो मैं ऐसे बोलूँगी, सपोज से मैं बोलूँगी ट्रायंगल शेप दे दो तो दे देगा ट्रायंगल शेप। और उसके बाद ऐसे सब करते करते मैं उसे काउंट करने बोलूँगी, जो ट्रायंगल वाले उसमें लिखो वन नंबर काउंट, ट्रायंगल में कितने यहाँ पर वर्म्स है, सर्कल वाले कितने वर्म्स है, तो मेरा बच्चा ऐसे लिखेगा। अभी यहाँ पर जैसे दिया हुआ है पिक्चर बनाना, अब बनाना यहाँ पर कहाँ है, बच्चे को मैं अगर ढूंढने बोलूँ तो बच्चा करेगा ये है, देखिए ये पिक्चर में है बनाना। मैं बच्चों को बोलूँ, मेरे बच्चे को बोलूँगी बताओ कहाँ स्ट्रॉबेरी, तो बच्चा बताएगा यहाँ है स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से एक बुक और देखते थे हम आगे। अब यहाँ पर भी जैसे हाउ मैनी ऑरेंज सर्कल, इस एक डॉगी बना हुआ है वहाँ पर मिडल में कहाँ पर ऑरेंज सर्कल। करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।